हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, हम लोग सीख रहे थे यहाँ पे पाइथन को MySQL के साथ कैसे कनेक्ट करके ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। और हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी कैसे हम लोग कनेक्टिविटी करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग टेबल को क्रिएट करेंगे, कैसे हम लोग अपने प्रोग्राम के हेल्प से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा कनेक्शन यहाँ बन के रेडी है। अगर मैं कनेक्शन को प्रिंट करता हूँ तो हमारा कौन यहाँ पे प्रिंट हो रहा था, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे। अगर मैं प्रोग्राम चलाता हूँ तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे कनेक्शन प्रिंट हो रहा है। अब इसी कनेक्शन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीज सेम रहेंगी बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे कन्वेंशन फॉलो करूंगा। मैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा कोड को अच्छे से रीयूज करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करूंगा। और मैं इन सब चीज को पैकअप करूंगा एक क्लास के अंदर, जिससे कि जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं सारा काम हो जाए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज समझाता हूँ कैसे करना है सिंपली। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास db helper, ठीक है, db helper। और इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। तो जैसे ही आप इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा अपने आप, ठीक है। तो कैसे करते हैं ध्यान से देखिए, सिंपली हम लोग लिख देते हैं def underscore underscore init, ठीक है। तो मैजिक मेथड, इट इज अ कंस्ट्रक्टर। और हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर आप ये चाहें तो इस चीज को हटा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के पास वेरिएबल बनाएंगे। देखिए कैसे, हम लोग लिखेंगे self.con, ठीक है, self.con। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपनी वो वाली लाइन लिखेंगे, ठीक है। तो मैं वो वाली लाइन कहाँ से लाता हूँ, तो एक सेकंड, मैंने बहुत सारी चीजें पेस्ट कर ली थी, इतनी सारी चीजें। तो मैं क्या करूंगा, जो कनेक्शन वाली लाइन सबसे पहले प्रिंट हटा दूंगा, ठीक है, प्रिंट हटा दूंगा। और ये वाली लाइन, ठीक है, यहाँ से कट करूंगा और ये सब हटा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली मैं पेस्ट कर दूंगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, देखिए ऑब्जेक्ट गेट कर रहा हूँ MySQL कनेक्टर का। तो कनेक्टर तो ये वाला कनेक्टर है, कनेक्टर डॉट कनेक्ट। उसके बाद मैंने सारी डिटेल पास की, ये जो रिटर्न करेगा वो कौन में आएगा, बट ये जो वेरिएबल है वो आपके ऑब्जेक्ट के पास चला जाएगा, देन में सेल्फ के पास चला जाएगा। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के अंदर हम लोग जैसे ही हम लोग क्या इनिट करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम लोग टेबल्स भी सारे क्रिएट कर देंगे। दैट मीन्स हम लोग जैसे डीबी हेल्पर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जितनी भी टेबल रिक्वायर्ड होंगे सब बना देंगे उसी केस में। चले बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, यहाँ पे क्वेरी बनाता हूँ, ठीक है। टेबल क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली बात है आपको क्वेरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो क्वेरी क्या है, मैं लिखूंगा यहाँ पे क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। अगर टेबल नहीं एग्जिस्ट कर रही होगी तभी नहीं बनाइएगा। तो इसका मतलब है क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर टेबल नहीं एग्जिस्ट कर रही तभी आप टेबल क्रिएट करिए। उसके बाद आपको क्या करनी है, आपको सारी प्रॉपर्टीज देनी है, ठीक है। और टेबल का नाम दे देते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे टेबल का नाम दे देते हैं यूजर, ठीक है, यूजर। और प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैं लिखूंगा यूजर आईडी, और ये इंटीजर होगी, और ये प्राइमरी अंडरस्कोर की, ठीक है, प्राइमरी की भी होगी। इसी तरह टेबल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट चीज, कॉमा लगा के यूजर नेम ले लेते हैं, यूजर नेम ये होगा varchar, और varchar कितने मैक्सिमम लेंथ इसकी क्या होगी, सो हम कर देते हैं 200, ठीक है। तो नाम हो गया एंड आईडी हो गई, दो कॉलम्स हो गए। फिर कॉमा लगाते हैं, एक लेते हैं फोन, ठीक है, फोन, ये भी varchar रख देते हैं, और इसको भी ले लेते हैं हम लोग 12 डिजिट्स का मैक्सिमम, दैट्स इट। ये हमारी क्वेरी होगी, हम सेव कर देते हैं जिससे कि हमारी एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है। तो आप ऑल्ट जेड दबा के रैप वर्ड रैप कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्वेरी एक बार देख लोगे, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर नहीं एग्जिस्ट कर रही तभी टेबल बनेगी। यूजर पहला कॉलम होगा यूजर आईडी, जो कि इंटीजर होगा, प्राइमरी की होगी, नेक्स्ट यूजर नेम एंड फोन, परफेक्ट है। अब इस क्वेरी को हम लोग फायर अप करते हैं। सबसे पहले हमें इस कॉन वाले वेरिएबल से कर्सर बनाना पड़ेगा, तो बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, आप लिखोगे self.con.cursor, ठीक है। तो जैसे ही आप कॉन पे कर्सर कॉल करोगे, ये आपको कर्सर रिटर्न कर देगा, तो आपको स्टोर करना पड़ेगा एक लोकल वेरिएबल में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम लिखेंगे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, बस आप एग्जीक्यूट लिख दिए और अपनी क्वेरी पास कर दिए, दैट्स इट, टेबल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और अगर टेबल क्रिएट हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ प्रिंट वगैरह कर सकते हो कि भैया क्रिएटेड, तो फर्स्ट टाइम क्रिएटेड होगी, ठीक है। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, db helper के कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करेंगे, सिंपल सा एक ही तरीका है, आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दीजिए। आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो आप सबसे पहले क्लास के बाहर आओगे, तो हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के बाहर आ जाते हैं और फिर क्लास के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अपना मेन कोडिंग करेंगे, ठीक है। मेन कोडिंग मतलब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे हेल्पर का, तो हम लिखेंगे db helper, दैट्स इट, और हम इसको एक वेरिएबल में ले लेंगे हेल्पर,
बस जैसे ही आपने डीबी हेल्पर बनाया, खटाक से इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कनेक्शन क्रिएट करेगा, क्वेरी को फायर करेगा। चलिए इतना काम करते हैं, देखते हैं कि टेबल क्रिएट हो रही है कि नहीं क्रिएट हो रही, उसके बाद इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इंसर्ट करते हैं, फिर उसके बाद मैं एक बार कोड को क्या करूंगा आपको फिर से समझा दूंगा। आ जाते हैं अपने टर्मिनल पे, ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं और फिर से हम लोग अपने प्रोग्राम को चलाते हैं। तो जैसे आप प्रोग्राम को चलाओगे, ये बताएगा कि देखिए, ये बताएगा यू हैव चेक द मैनुअल कॉल। ठीक है, तो ये प्राइमरी की एरर बता रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे हम लोग अंडरस्कोर ज्यादा लगा दिए थे। और हम लोग क्या करते हैं, आप देखिए जब आप प्राइमरी की लिखोगे तो अंडरस्कोर नहीं लगेगा, प्राइमरी अलग है, की अलग है। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से क्वेरी चलाते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग अपना प्रोग्राम चलाते हैं। सो हम लोग जैसे प्रोग्राम चलाएंगे आप देखोगे क्रिएटेड, ठीक है, क्रिएटेड मतलब सब कुछ परफेक्टली चला। और हम लोग अगर आ जाते हैं अपने डेटाबेस वाले क्लास पे और यहाँ पे हम लोग देखते हैं सो टेबल, तो आप देखोगे यूजर टेबल आ गई है। और अगर इसका डिस्क्राइब करोगे इसको यूजर को, तो आप देखोगे वही सारे कॉलम्स बने होंगे, यूजर आईडी जो कि प्राइमरी की है, यूजर नेम, फोन। ठीक है, तो आपने ये टेबल कहां से बनाई है, ये टेबल आपने अपने प्रोग्राम के थ्रू बनाई है, इस प्रोग्राम के थ्रू बनाई है। अब दोबारा टेबल नहीं बनेगी क्योंकि ऑलरेडी है, तो अगर आप दोबारा प्रोग्राम चलाओगे तो ठीक है, क्रिएटेड तो क्वेरी तो फायर हुई, बट क्योंकि आपने यहाँ पे लगा के रखा है क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, तो अगर नहीं एग्जिस्ट हो रही तभी टेबल क्रिएट होगी, अदरवाइज टेबल नहीं क्रिएट होगी। सो इस प्रोग्राम को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इंसर्ट का चलाएंगे, इंसर्ट की क्वेरी देखते हैं कैसे चलाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको समझा देता हूँ, हमने यहाँ पे एक क्लास बना ली डीबी हेल्पर, और ये क्लास मोस्टली जब आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो तो आपको बनाने की जरूरत होती है। तो हमने एक डीबी हेल्पर क्लास बना ली, उसमें सिंपल कंस्ट्रक्टर बना लिया, और कंस्ट्रक्टर के अंदर सिंपली मैंने पहली लाइन, पहले हमने MySQL कनेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है। तो ऑब्जेक्ट आप डायरेक्टली नहीं क्रिएट करोगे, आप एक मेथड एक कनेक्ट उसकी हेल्प से गेट करोगे। सो आप लिखोगे कनेक्टर डॉट कनेक्ट, आपको फिर आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट पास करनी है कि भाई कनेक्ट होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए आपको। तो सबसे पहले होस्ट, लोकल होस्ट, पोर्ट दिस, यूजर दिस, पासवर्ड दिस, और किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हो, तो मैंने कहा पाइथन टेस्ट के साथ। जब ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो मैं सिंपली सेल्फ डॉट कॉन में रख दूंगा। नाउ अब आप एक क्वेरी बना लेंगे अपनी टेबल की। अब यहाँ पे आप कैसे भी क्वेरी बना सकते थे, कितनी कॉम्प्लेक्स हो, कितनी बड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेरी ये फायर कर देगा। ठीक है, एक क्वेरी मैंने बना लिया, उसके बाद सिंपली इस क्वेरी को फायर करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए, तो मैंने क्या किया सेल्फ डॉट कॉन, मतलब हमें ये वेरिएबल यूज करना था, तो मैंने लिखा सेल्फ डॉट कॉन, और कनेक्शन में मैंने फंक्शन कॉल कर लिया कर्सर, ये मुझे रिटर्न कर देगा कर्सर, जो कि मैंने सी यू आर में सिंपली रख लिया, और सिंपली मैंने कर्सर डॉट एग्जीक्यूट कॉल कर दिया, तो आपकी क्वेरी पास कर दी, तो क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। तो मोस्टली मुझे लगता है आपको समझ में आ गई। अब इस वाले फंक्शन को चलाने के लिए, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है, क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग के वक्त चलेगा, तो हमने सिंपली इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर चल गया, और हमारा सारा काम हो गया। सो होपफुली आपको ये समझ में आया कैसे हम लोग अपने पाइथन प्रोग्राम की हद से टेबल को क्रिएट कर सकते हो। अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, पहले तो कनेक्ट के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यू चेंज कर दो, उसके बाद क्वेरी बदल दो, दैट्स इट, टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इंसर्ट की क्वेरी चला के डेटा सेव कर सकते हैं अपने डेटाबेस में, उसके बाद फैच वगैरह भी कैसे कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।